आज एक माँ अपनी बेटी को सारा सच बता देगी। 25 साल से ये राज मैंने किसी को नहीं बताया, पर उस राज का एक हिस्सा तुम्हें पता है। आज उस काली रात का बचा हुआ हिस्सा मैं तुम्हें बताऊंगी। बेटी होने के हक से तुमने मुझे ये पूछ लिया, पर मां होने के हक से मैं तुमसे एक वादा मांगती हूं। मेरे सर पे हाथ रखो और कसम खाओ, कहो कि तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। बरसों पहले जो गलती मैंने की, वो गलती तुमसे तुम्हारा सिंदूर मांग रही है नैना। भाभी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। आपकी कसम हमारे लिए मायने रखती है भाभी, इसलिए मैंने यहाँ के रसोई का कुछ भी नहीं लाया। ये सारा खाना मैंने खुद अलग से बनाया आपके लिए। भाभी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। खाना बनाने के साथ साथ तुम लोगों को भी खूब बनाती हो, कैसे कर लेती हो तुम ये ड्रामा अच्छा बना रहने की? पहले अपनी मर्जी का कर लिए, उसके बाद उसी के ऊपर माफी का पानी चढ़ा दिया। हाँ भाभी बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे प्यार से खाना खिलाया जा रहा है और वहाँ इनकी बेटी ने मेरे पति की 15 दिन की तनख्वाह कटवा दी। लेकिन इनको क्या, इनकी तो शादियां ही जिसे जो करना है वो कर, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। लेकिन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। जब तक सुजान सिंह जी खुद यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, उसके बाद ही कोई बात होगी। और फिर डिलीवरी का दिन आया, मैं अकेली नहीं थी। मेरी बचपन की सहेली संध्या भी प्रेग्नेंट थी। जिस अस्पताल में हम दोनों की डिलीवरी हुई उस अस्पताल में पुष्पा नर्स थी। और फिर मेरा बच्चा पैदा हुआ। वो क्या माँ? मेरे इन हाथों में बेजान सा, सांसें नहीं चल रही है, आंखें बंद। मेरा बच्चा रोया नहीं नैना, मेरा बच्चा रोया नहीं नैना। नैना मैंने संध्या को इनके बारे में बताया था कि इनकी मर्जी के खिलाफ मैं अपने मायके गई थी अपनी डिलीवरी के लिए। उसे अंदाजा था कि अगर इन्हें हमारे बच्चे के बारे में पता चल जाता तो वो मुझे कभी माफ नहीं करते। उनके घर से, उनके जीवन से
मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते। एक तरफ बच्चे को खोने का गम और एक तरफ ये डर था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था नैना कि मैं क्या करूं। ऐसे में संध्या आई मेरे जीवन में भगवान बनके। उसने मुझसे वादा किया कि उसका बच्चा वो मेरी गोद में डाल देगी। निर्मला, यही सही रास्ता है हम दोनों के लिए। पता नहीं जिंदगी क्या इम्तिहान ले रही है। यहां मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं ये बच्चा रख सकूं, और तुम बिना बच्चे का घर नहीं लौट सकती। इसीलिए मेरे बेटे को तुम ले लो निर्मला। मैं जी लूंगी किसी तरह। तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी ना। जिस वक्त संध्या ने कुणाल को मेरी गोद में डाला, उसी वक्त मैं उसकी मां बन गई। ये बात संध्या और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कभी कभी हम जिसे भगवान का दर्जा देते हैं ना, वो असलियत में शैतान होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बचपन की सहेली, जिसने इतनी मदद की है मेरी, वो मुझे ऐसे धोखा देगी, ऐसे ब्लैकमेल करेगी। हम दोनों के अलावा ये राज सिर्फ पुष्पा जानती थी। कुछ दिनों पहले जब संध्या ने मुझे बताया, तो तब मुझे पता चला कि पिछले 25 सालों से पुष्पा उसे ब्लैकमेल कर रही है। संध्या तो जानती थी ना कि मेरे जीवन में इस सच की क्या अहमियत है, इसलिए उसका मुंह बंद रखने के लिए संध्या उसे पैसे देती रही। पर जैसे जैसे उसकी उसकी बेटी बड़ी हुई, उसकी मांगे बढ़ती गई। अब उसने संध्या के सामने एक शर्त रखी है। पुष्पा चाहती है कि करण की शादी सावरी से हो जाए। नैना, मेरी ये सच्चाई जो मेरी इतनी बड़ी कमजोरी है, वो उनके हाथों में है नैना। इसलिए तो पूरी तैयारी के साथ आई है दोनों। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता पक्का है। और मैं जब भी पुष्पा को कहती हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो वो मुझे धमकाती है। कहती है कि मेरी सारी सच्चाई वो इन्हें बता देगी। मैं जानती हूँ नैना कि ये सच कभी ना कभी तो सामने आएगा। पर इस वक्त मेरी ये जो दो प्यारी प्यारी बेटियां, उन्हें मैं खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए जिस सच का सामना मैंने आज तक नहीं किया, उस सच का सामना मैं अब करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के लिए करना चाहती हूँ नैना। माँ, हम लाइफ में बहुत से रिश्ते बनाते हैं। कुछ रहते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी में प्यार ज्यादा होता है, किसी में कम। पर माँ, इन सब रिश्तों से बड़ा जो रिश्ता होता है, वो होता है घर से रिश्ता। और माँ, वो रिश्ता आपने पूरी ईमानदारी से निभाया। माँ, आपने जो भी किया है, वो इस घर की खुशियों के लिए किया है। वो एक ऐसा रिश्ता है माँ, जो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जहाँ भी जाएं, जो भी करें, इस रिश्ते का प्यार, इस रिश्ते की यादें हमारे साथ जाती हैं। तो ये रिश्ता हमें भी तो निभाना है ना माँ। इसलिए माँ, आप सावरी से करण की शादी के लिए हाँ कह रहे हैं।